कलर्स का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का ये 13वां सीजन है, या ये कहें कि 13वां नहीं टेढ़ा सीजन है। शो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। शो को ये सुर्खियां मिल रही हैं सिर्फ उसके कंटेस्टेंट की वजह से। शो में आए दिन कंटेस्टेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। कभी शो पर कंटेस्टेंट एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं, तो कभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। शो पर आए दिन कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ते भी हैं, और कभी कभी तो ये लड़ाई एक्सट्रीम लेवल की होती है। लेकिन इस बार तो शो में कुछ अलग ही होने वाला है। इस बार शो में कॉमेडी का तड़का लगने वाला है। इस बार एपिसोड में शो पर कॉमेडी नाइट होने वाली है। इस कॉमेडी नाइट में सभी कंटेस्टेंट परफॉर्म करने वाले हैं। इस कॉमेडी नाइट को होस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन पारितोष त्रिपाठी होस्ट करने वाले हैं। पारितोष अपनी बेहतरीन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। इस बार एपिसोड में भी यही देखने को मिलेगा। पारितोष जब सेट पर पहुंचेंगे तो वो एक एक कर सभी कंटेस्टेंट के मजे लेंगे। पारितोष अपनी कॉमेडी की शुरुआत बिग बॉस के लिए एक बड़ा ही प्यारा शेर पढ़कर करेंगे। इसके बाद पारितोष कहते हैं कि बिग बॉस से ज़्यादा रोमांटिक कोई नहीं है। मैंने हमेशा बिग बॉस को कहते सुना है बिग बॉस चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये बिग बॉस है या पारस माहिरा। चाहते तो हैं लेकिन बताते नहीं। इसके बाद पारितोष आते हैं रश्मि पर। पारितोष कहते हैं कि अच्छा, रश्मि को मैं पहले से जानता हूँ, जानता था और जान रहा हूँ। इस पर रश्मि पारितोष पर चिल्लाती हैं। आगे पारितोष कहते हैं कि रश्मि किसी से डायरेक्ट नहीं बोलती, वो वाया बात करती हैं। लगता है जब रश्मि शादी करेंगी तो इनके वेडिंग कार्ड पर लिखा होगा रश्मि वेड्स अरहान वाया दिस। इस पर सभी जमकर हंसते हैं। इसके बाद पारितोष सना के बारे में कहते हैं कि सना सिद्धार्थ से हमेशा कहती है कि आपने मेरे बारे में बताया नहीं। आगे पारितोष कहते हैं कि अरे, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता, थोड़ा थोड़ा बस रजनीकांत को पता है। इसके बाद पारितोष सना की एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी तारीफ नहीं की, तुमने मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। पारितोष सिद्धार्थ पर कमेंट करते हैं कि जिस आदमी ने आधा सीजन टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में निकाल दिया, वो तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे। इसके बाद पारितोष आते हैं सिद्धार्थ पर और कहते हैं कि आपने साउथ के फिल्मों का मार्केट डाउन कर रखा है। साउथ वालों का कहना है कि फिल्म से ज़्यादा तो ये लड़ता है, ये इतना लड़ता है कि बॉर्डर 3 बनेगी तो उसमें ये अकेले कास्ट होंगे। पारितोष एक एक कर सभी कंटेस्टेंट की मजे लेने वाले हैं। इस एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट भी कॉमेडी करते नजर आएंगे। पहली बार बिग बॉस में किसी एपिसोड में प्लानिंग प्लॉटिंग की जगह कॉमेडी नजर आएगी। बिग बॉस का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। इस एपिसोड के दौरान ऑडियंस भी बिग बॉस हाउस में नजर आएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।